शुरुआत करते हैं चाय से. एज आई एम चाय लवर और मोस्टली बहुत सारे इंडियंस के दिन की शुरुआत ना चाय से ही होती है. मॉर्निंग टी में ऐड करना है या तो इलायची या फिर अदरक. अब अदरक की तासीर ना थोड़ी सी गर्म होती है तो वो मैं सर्दियों में प्रेफर करती हूँ और गर्मियों में इलायची से काम चल जाता है. अब देखिए इन दोनों के ही फायदे ये हैं कि दोनों ही रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और दोनों में ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं. स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन होता है ना उसको भी क्लीन करती हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखती हैं. तो अगर आपको इचिनेस या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है ना वो ऑटोमेटिकली टाइम रहते स्टॉप हो जाएगा. और रही बात इनके टेस्ट की तो चिकन की ग्रेवी से लेके और खीर में तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बस खा लो इनको. ब्रेकफास्ट में ना हम बनाने वाले हैं पोहा. वो आप सोच चुके हैं पोहा तो रेगुलरली भी खाते ही हैं, इसका हेयर से क्या लेना देना. देखिए इसमें ना भरपूर मात्रा में यूज होता है क्या, करी लीव्स. और करी लीव्स इज रिच इन विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम. ये सारी चीज़ें ना मिला के हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और शाइन ऐड होती है वो अलग. अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना कड़ी पत्ते और राई का, ये बहुत ही फेमस है. आप नाश्ते में चाहे उत्पम लें, इडली लें या फिर पोहा, सब में डलता ही है. वैसे तो ना मैं आपको बोलने वाली थी कि आप ना करी लीव्स को ना डेली चबाओ, बट अब वीडियो में हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही सही. टेस्टी भी है. बनाओ ये रेसिपी और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करो. स्ट्रेस लेना, वर्क लोड, लेट नाइट सोना, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस होती है ना, तो इन सारी चीज़ों पे ना हमको बराबर ध्यान देना ही पड़ता है. और ये आजकल हमारी सबकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. अब देखो जितनी कॉमन ये सारी सिचुएशंस है ना उतने ही कॉमन आजकल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं. फिर चाहे वो हेयर के हों, स्किन के हों, पिंपल निकलते रहते हैं आए दिन, डार्क सर्कल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल आए दिन ऊंचा नीचा चलता ही रहता है, उनको नपवाने में ही हमारी जिंदगी निकल जाती है. बालों का तो पूछो ही मत, इनफैक्ट टकलापन तक फेस करना पड़ जाता है. अब देखिए प्रॉब्लम्स तो बता दी आपको, सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम से पानी पियो, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपने ऑलरेडी 1000 times सुनी ही होंगी, तो ये सब नहीं होने वाला. अब देखिए शूट वाला काम ना ऑलमोस्ट डेली ही होता है. जिस तरीके से आप ऑफिस, कॉलेज या फिर स्कूल जाते हो उसी वक्त ना बस बालों को अच्छे से ब्रश कर लीजिए ना. इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और उससे ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है. स्ट्रेस नहीं लेना ना तो पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रेस को रिलीज तो कर ही सकते हैं. रात को सोने से पहले ना बस 2 मिनट तक अच्छे से फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज कर लीजिए. नो कोम, नो ऑयल, नथिंग एट ऑल. इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तो स्टार्ट होगा ही. अब इसके ना फायदे कुछ नए तो नहीं है, लेकिन बिलीव इट और नॉट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और नींद ना बहुत ही बढ़िया आएगी. अच्छा अब ना बालों की वीकली नीड्स को भी पूरा कर लेते हैं. देखिए वीकली बेसिस पे ना हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, डीप नरिशमेंट भी देते हैं एंड स्पेशली जो हेयर मास्क होते हैं मेड आउट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ना, दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर हेयर. स्पेशली जब हेयर फॉल को कंट्रोल करने की बात हो ना तो अनियन टॉप्स द लिस्ट.
क्योंकि इससे ना हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है. नाउ मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क विद अनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर. इस मास्क को ना मैं कुछ दिनों से अभी यूज कर रही हूँ एज ए न्यू लॉन्च है मार्केट में. एप्लीकेशन के लिए ना बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और वेट करने के बाद में ना इस मास्क को थोड़ा थोड़ा करके लगाना है. और इसको हम इमल्सिफिकेशन मेथड बोलते हैं जिसकी हेल्प से हम स्कैल्प पे जो मास्क लगाया हुआ था उसको भी इस तरीके से नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि हमारे एंड्स को भी नरिशमेंट मिले. अच्छी चीज मुझे इस मास्क की लगती है कि आपको उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए रखना है. इन केस अगर आप ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे हो ना तो वीक डेज में हेयर वॉश करना प्रॉब्लम नहीं लगेगा. इसके बॉक्स पे ना क्लियर लिखा हुआ है पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, हाइपोएलर्जेनिक एंड विद बायोएक्टिव्स. ये सारे हेयर टाइप के लिए सूटेबल हैं अगर आपके बालों पे कलर भी है या फिर केमिकल ट्रीटेड भी है. और लास्टली ना थोड़ा सा मास्क मैंने हाथों में लिया है एंड आई विल जस्ट मसाज इट. नाउ मामा अर्थ को ना हमेशा से सपोर्ट करती हूँ मैं क्योंकि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है. मतलब जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं ना उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं. ऑल्सो जो मामा अर्थ कंपनी है ना ये पेरेंट्स से स्टार्ट करी है. मतलब इनके हर एक प्रोडक्ट में ना आपको एक्स्ट्रा केयर देखने को मिलेगी. इसमें अनियन है ना तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अनियन में तो स्मेल आती है हम कैसे लगा सकते हैं. वैसा नहीं है, आप आराम से इसको लगा सकते हो. अब क्योंकि मैंने मास्क लगा लिया है और डब्बा भी पैक हो चुका है मैं मास्क रखने वाली हूँ 15 मिनट और उसके बाद में सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू से वॉश करूँगी. हेयर मास्क के बाद में मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही एक अच्छी सी शाइन ऐड हो गई थी बालों में. ऑल्सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हेयर फॉल. अब बात करते हैं ऑयलिंग की. अब देखिए ऑयलिंग जो है वो हमको वरदान में मिली हुई है ना मम्मी. तो देखो ऑयलिंग के जो बेनिफिट्स हैं ना उनको हम अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, वो क्या कहते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन ऑयलिंग के जो फ़ायदे हैं ना उनको बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए दुगना ज़रूर कर सकते हैं और वो होती है स्मार्टनेस. और उसके लिए या तो आप एलोवेरा के साथ वाला कोई ऑयल लगा दो, मार्केट में बहुत मिलते हैं, या फिर आप एलोवेरा को पहले ऑयल करने से पहले लगा दो. फायदे काफ़ी हैं इसके, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है और एलोवेरा पे मतलब आपको पता ही है कितने वीडियोस वायरल होते हैं तो यूज़ कर लो ना, बालों के लिए बहुत अच्छा है. बात करी है अनियन हेयर मास्क की जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है. आपको ध्यान हो मई में मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था, आई लिंक इट अप हियर, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं. उसमें टॉक्ड अबाउट टी ट्री हेयर मास्क बाय मामा अर्थ जो कि डैंड्रफ पर अटैक करता है. हेयर प्रॉब्लम्स में देखो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो या फिर ड्राई डैमेज्ड हेयर, हेयर कंसर्न के हिसाब से आपको डेफिनेटली अपने लिए एक बेहतरीन हेयर मास्क मिल ही जाएगा mama.in पे. और अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाते हो ना तो यू कैन एंजॉय फ्लैट 20% ऑफ ओनली ऑन mama.in. दैट्स ऑल गाइस, दीस वर द थिंग्स जो कि मैं डेली या फिर वीकली बेसिस पे फॉलो करती हूं. नॉट ओनली इससे मेरे बालों की हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि हेयर फॉल स्टॉप करने में भी बहुत अच्छी मदद मिलती है. इन सारी चीजों को करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे लेकिन जब रिजल्ट मिलना चालू होंगे ना तो वो रिजल्ट कैसे होंगे और कितने लॉन्ग टर्म होंगे वो तो आपको पता ही है. आई होप आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको रियली अच्छा लगा आपको करना है इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर. चाय बनाने से लेके नाश्ता करने तक और आपको सोने तक बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को काम आ सकती हैं. मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल वीडियो के साथ में. तब तक के लिए क्या, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, डेली और वीकली कुछ ऐसा करिए कि हेयर फॉल कम हो जाए. और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच.